Today we will discuss chapter number 5 AP. AP means beta orthomatic, P means beta progression, orthomatic progression like 3, 5, 7, 9. इसमें बेटा देखो 3 5 7 9 2 2 9 5 7 2 जी कॉमन फ्रेंड्स सब सेम आ रहा लाइक इज ए पी द गिवन सी कैन सी इज एंड ए पी बिकॉज द कॉमन फ्रेंड्स इज सेम एवरी टाइम ये बेटा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है ये कॉमन डिफरेंस नहीं है बेटा तो एपी नहीं है। देखो जैसे ये हमने फार्मूला दे दिया ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू ए एन वेयर एन क्या है बेटा ए एन इंथ टर्म ऑफ एपी ए फर्स्ट टर्म एन नंबर ऑफ टर्म्स डी कॉमन डिफरेंस ठीक है बेटा। इसमें आपको तीन चीजें देखी फोर चीज आपने रखा ली है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको दीजिए 2 4 6 8 फाइंड टेंथ टर्म फाइंड टेंथ टर्म आपको पता ही है फर्स्ट टर्म कौन सी इसमें जो पहले वाली होती है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। टू कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अपन ए टू में ए वन निकालेंगे दो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ये क्या एन टेन तो आप टेन टर्म निकालिए तो कौन सा फार्मूला यूज होगा ये कैसे जैसे ए एन ए प्लस एन माइनस डी ए एन टेन है बेटा ए कितनी है टू टेन माइनस वन डी कितनी है बेटा ए भी टू है टू नाइन माइनस लाइक टू ये 20 आ जाएगा। आप इस तरह टर्म निकाल सकते हो हम ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं विच टर्म 5 10 15 625 कौन सी टर्म है विच टर्म मीन एन निकालनी है ए कितनी है बेटा 5 डी कितनी है जे 5 ए एन कितनी है या एल इसको एल भी कह सकते हम ए प्लस एन माइनस 1 एल एल भी लास्ट टर्म 5 एन आपने निकाली है डी 5 625 इसलिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से 5 कैंसिल हो गया 125 टर्म है। ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे या होस्ट प्राइस पूछ सकते हैं बेटा आपसे थर्ड आप देख रहे हैं आपको 7 फिफ्थ आप देख रहे हैं आपको 9 फाइंड ए पी इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन सॉल्व दी टू क्वेश्चन साइन चेंज कैंसल माइनस टू डी माइनस टू माइनस ना माइनस करके बेटा वन आ गया पुट द वैल्यू ऑफ डी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह तो ये भी करनी है बेटा अपने 5 कॉमन माइनस 1 6 7 8 एंड सो
दिस इज द एपी आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट सम ऑफ, ये तो हमने टर्म निकाली है, सम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला होता है सम निकालने का 2a(n-1d) a+l। देखो बेटा आपको दे दिया उसने 6, 12 और 18, 15 फाइंड द सम। ए कितनी है बेटा 6, बी कितनी है, जी भी 6 है, एन कितनी है 15। फर्स्ट फॉर्मूला जरूर होगा, फिफ्टीन माइनस वन मल्टीप्लाई 6, 15 अपॉन 2 12, 14 मल्टीप्लाई 6, 15 अपॉन 2 12 84, 96 एंड कंट्रोल बेटा 48, 48 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 720। दिस इज द सम, ऐसे सम निकाल सकते हो या ऐसे भी देख सकते हैं आपको 4, 8, 12 और 56। मान लिए 100 96 100 4 से डिवाइड करो 25 बजेगा 125 निकाले 75 99 4 टू का 8 96। लो बेटा ए 4 डी माइनस 4 एल 96 एल 96 पहले अपने एन फाइंड आउट करनी है 4 मल्टीप्लाई 4 4 एन माइनस 4 4 हो जा गया 96 96 को 4 से डिवाइड करो 24। तो अपन ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ए कितनी थी 4, एल कितनी थी 90 100 50। इस तरह पर फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ये था सम निकालने का फॉर्मूला। थैंक्स, हैव अ नाइस वीक।